हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बात क्या, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज KTM जो कि इंजन हो के आई है लेकिन हुआ भी उसमें कुछ नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है और कहने को जहाँ से वो उठ के आई है इंजन हो के मैकेनिक भाई के पास से, वो तो मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ से आई है, बहुत दूर से आई है जैसे तो। लेकिन क्या मैकेनिक भाई कह रहे हैं इंजन हुआ है और इंजन की कंडीशन देख के लग रहा है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें हुआ क्या है। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से ये ऑयल निकला है, ऑयल के नाम पे देखिए बिल्कुल पानी और इसके अंदर कचरा है, यही अंदर है इसके देखिए टोटल कचरा भरा हुआ है। और ये बोल्ट इसका ढीला पड़ा हुआ है, ये इसको क्रैंक का बोल्ट है जो टाइमिंग चैन को चलाता है, ये बोल्ट खुला हुआ है और ये कहने को इंजन हो गया ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग चैन की जो गाइड होती है जो इसे दबा के रखती है वो इसमें नहीं है। अब इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो अभी चेक कर रहे हैं। पूरा इंजन इसका अंदर से साफ होएगा, ये बोल्ट कसा जाएगा और इसमें नया, क्योंकि वो जहाँ से उठ के आई है उस मैकेनिक भाई के पास भी ये टाइमिंग चैन गाइड ये नहीं है तो ये भी नहीं डलेगी इसमें, ये बोल्ट कसा जाएगा और प्रॉब्लम देखेंगे स्टार्टिंग में क्या वजह हो रही है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। चलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ जब इसे स्टार्ट करेंगे या इंजन को क्लीन करेंगे इसमें ऑयल से और डीजल से। चलिए दोस्तों अब बाइक का क्लच कवर बांधते हैं और उसके साथ इसका क्लच की केबल को भी सेट करते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप क्लच का केबल बांधें तो ये ध्यान रखें कि उसकी क्लच केबल की जो सपोर्ट होती है प्लेट वो भी ध्यान से बोल्ट के साथ उसमें बंधी हुई होनी चाहिए। क्लच कवर खोल के गाड़ी को साफ कर लिए, उधर से बोल्ट उसका हमने कस लिया है और उसके अंदर से ऑयल और डीजल से उसे साफ़ कर दिए। तो अब उसे बंद कर लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड जाएंगे, उस साइड से भी गाड़ी को ओपन करके वहाँ से भी ऑयल एंड आप डीजल से वॉश करिएगा। जितनी इसके अंदर डस्ट होती है जो मैंने आपको दिखाई थी मिट्टी और डस्ट पार्टिकल माइनर जो होते हैं वो गाड़ी के पिस्टन और क्रैंक में जाने के बाद उनमें कटिंग पैदा करते हैं जैसे एमरी का काम करते हैं। तो बेहतर यह है कि आप उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए डीजल से पेट्रोल से। आइए दोस्तों अब मैग्नेट साइड से इसका ओपन कर लेते हैं और उधर से इसे ओपन करने के बाद मैग्नेट को और मैग्नेट कॉइल को भी हम साफ़ करेंगे, देखते हैं इसके अंदर कितना डस्ट है और उसे फिर इसके बाद इसे साफ़ करेंगे डीजल से एंड पेट्रोल से। दोस्तों इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डस्ट है, अभी मैग्नेट के अंदर भी है जैसे कि मैं आप देख सकते हैं थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा मैग्नेट के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट। तो ये डस्ट है सब मिट्टी के साथ ऑयल के साथ जमा हुई हुई है क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी थी खुली हुई तो इसके ऑयल के साथ डस्ट बैठ गए। मैग्नेट के कवर के अंदर भी डस्ट है ऑयल के साथ जमा हुई है और मैग्नेट कॉइल के अंदर भी इसी तरह। मैग्नेट को साफ़ कर लेते हैं दोस्तों, ये खोलने की कोशिश की होगी या खोला होगा तो आप देख सकते हैं इसमें मैग्नेट के ऊपर निशान आ रहे हैं। मैकेनिक भाइयों के पास फुलर टूल्स पूरे नहीं होते हैं तो वो ज़्यादातर हथौड़े का उसका इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये निशान आ जाते हैं। तो दोस्तों अब इसे डीजल से और पेट्रोल से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, ब्रश से भी साफ़ कर लीजिए, जितनी डस्ट इसमें जमा हुई हुई है ऑयल के साथ वो सब ऐसे ही निकलेगी। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ब्रश लगाने के बाद थोड़ा डीजल एंड पेट्रोल डालिएगा ज़रूर। तो कभी आपकी बाइक ऐसे सर्विस पे भी जाए और इस साइड से खुले तो आप ज़रूर इसे डीजल पेट्रोल से साफ़ करा लें, तो जितना क्लीन होगा कॉइल भी उतनी ही अच्छे से काम करेगी। तो कॉइल को कभी भी पानी से वॉश ना कराने की कोशिश करें, कॉइल जब भी आप वॉश कराएं तो इसका पेट्रोल से वॉश करें क्योंकि पेट्रोल थोड़ी देर बाद उड़ जाता है।
तो डीजल से धोने के बाद इसे पेट्रोल से ज़रूर धो दें। तो पेट्रोल से वॉश कराने का बेनिफिट यही रहता है कि एक तो इसकी कॉइल शॉर्ट नहीं होंगी और कॉइल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी जितना इनमें कार्बन आएंगे। चलिए अब बंद कर लेते हैं मैग्नेट कॉइल वाले पोर्शन को और फिर इसे इसका बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से इसे बंद करिएगा, क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है और उसमें अगर ज़रा सी भी आउट होगी तो उसके फटने का और टूटने का ख़तरा रहता है। तो बहुत ध्यान से और जो इसकी डावल और बोल्ट होते हैं बहुत ध्यान से उसे बंद करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने इसे मैग्नेट साइड के पार्ट्स को बंद कर लिया है, मैग्नेट कॉइल वाली साइड। तो अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसके गाड़ी को बंद करने के बाद कि इसकी गाड़ी में स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये सब हमने वॉश कर लिया है, अब इसके बाद हम इसे वॉश करने के बाद स्टार्ट करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, मैं अभी इसे बंद करने के बाद आगे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, बाइक बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें जो जो इंजन में काम होना था वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अब इसका टाइम है स्टार्ट करने का। चलिए इसे देखते हैं स्टार्ट करके, और बाइक में कोई चेक इंजन लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है, और इंजन क्या साउंड करता है। देखिए देखिए दोस्तों, कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई चेक इंजन लाइट, कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रही है। अब देखते हैं इंजन में साउंड क्या कह रहा है, कैसा साउंड आ रहा है। दोस्तों अब इसमें मैं बताता हूँ हमने किया क्या है। एक तो जो कस्टमर के पास चाहिए थी ये गाड़ी, उसमें इसके अंदर डस्ट बहुत थी और इंजन ऑयल में पानी और मिट्टी ये सब भरा हुआ था। पता नहीं जहाँ पे खड़ी थी, बारिश में थी, क्या था। और इसका टाइमिंग चेन का यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, गाइड नहीं थी। बोल्ट मैंने आपको दिखाया था, वो लूज़ पड़ा था, क्रैंक का वो चेंज करा है, और इसका चैन सेट बदला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें इस टाइम बहुत ज़्यादा जंग आया हुआ है, तो ये शायद बारिश में ही खड़ी थी, इसी वजह से इस गाड़ी में इतना प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, स्टार्ट ना होने की वजह मैं आपको बताता था। इसकी जो ये यहाँ पे दोनों टाइमिंग चेन के कैम, यहाँ पे एक कैम यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, दोनों के ऊपर यहाँ पे टाइमिंग सेट होती है, तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। दोनों टाइमिंग आउट थी, इस वजह से टाइमिंग चैन की वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्लस इसमें गंदगी और पानी भरा हुआ था, और ये सब मैंने आपको बता दी। तो ये बारिश में खड़ी थी, जिस भी मैकेनिक भाई के पास से ये उठ के आई है। तो ऐसा ना करें यार, गाड़ी किसी की बहुत मुश्किल से मेहनत की कमाई से खरीदी हुई चीज़ होती है, और आपने इतना पैसा भी उस बेचारे से ले लिया और करा भी इसमें गाड़ी में कुछ नहीं, इंजन में। दोबारा इसे पूरी गाड़ी को हमने पेट्रोल से डीजल से वॉश करी, फिर उसके बाद इसे बांधी। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो जो हमने काम किया है इसके KTM ड्यूक 200 में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।